उन्नाव में 9वीं की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर मिला शव। चाचा ने कहा कि बेटी को कुचलकर मारा। उन्नाव में गुरुवार को दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई है। शव शराब ठेके के पास और पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर सड़क पर पड़ा मिला। शव वहां से कुचल जाने के कारण छत-विछत हो गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बेटी की गैंगरेप के बाद गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई है। लड़की रात 12 बजे से लापता थी। वे अपने किसी जानने वाले से फोन पर बात करके रात को निकली थी। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। लड़की 9वीं की छात्रा थी। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस ने बिना बताए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने परियर हाईवे जाम लगा दिया। परिजनों ने 4 अज्ञात लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। उधर पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया है। लड़की का शव उन्नाव जिले से जुड़े सफीपुर परियर रोड पर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। जैसे ही परिजनों को लड़की के शव के बारे में पता चला, गांव परिवार और रिश्तेदारों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। सबसे पहले ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिवार वालों का कहना था कि हमें बिना जानकारी दिए शव को पोस्टमार्टम के लिए क्यों भेज दिया गया। पुलिस को पहले आसपास के क्षेत्र में शिनाख्त करनी चाहिए थी। हमारी लड़की के साथ गलत काम हुआ। पुलिस ने मामला हल्का करने के लिए शव को मौके से हटा दिया। परिजनों ने 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। चौकी प्रभारी पर लापरवाही का आरोप। चाचा ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को बिना सूचना दिए ही भतीजी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हमने जब पुलिस से सवाल किए तो पुलिस ने उल्टा हमें ही डांटना शुरू कर दिया, इसलिए हम सड़क पर उतरना पड़ा। इसमें पुलिस चौकी इंचार्ज पूरी लापरवाही की है। उन्हें सबसे पहले घर वालों को सूचना देनी चाहिए थी।